बिहार के मुंगेर की बेटी मोना दास ने अमेरिका में इतिहास रच दिया। भारतीय मूल की मोना दास ने अमेरिकी सीनेट का चुनाव जीतकर न सिर्फ मुंगेर बल्कि बिहार और देश का भी मान बढ़ा दिया है। मुंगेर के नक्सल प्रभावित हवेली खड़गपुर इलाके के दरियापुर गांव की बेटी मोना की इस सियासी सफलता से पूरा गांव गदगद है। दरियापुर में मोना दास का अपना परिवार तो नहीं रहता, लेकिन उनके कई करीबी रिश्तेदार आज भी गांव में रह रहे हैं, जिनकी खुशी संभाले नहीं संभल रही। अब अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों की। अब मेरी गांव का परिवार का एक सदस्य नेता बन गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मोना मेरी ननद लगती है। मोना दास के दादा जीएन दास मुंगेर के नामी गिरामी डॉक्टर रहे हैं और वो बिहार के कई सदर अस्पतालों में सिविल सर्जन भी रहे हैं। 92 साल के जीएन दास अमेरिका में रह रहे हैं और उनका पूरा परिवार भी वहीं बस गया है। जीएन दास के इंजीनियर बेटे सुबोध दास की बेटी हैं मोना दास, जिन्होंने बतौर डेमोक्रेट प्रत्याशी सीनेट का चुनाव जीता है। मोना की उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रयास में ये जीत दर्ज की है और उस शख्स को हराया है जो लगातार 8 साल से यहां से सीनेटर था। मोना का पूरा परिवार भले ही अमेरिका में बस गया है, लेकिन उनके पिता सुबोध दास का जुड़ाव अभी भी दरियापुर गांव से है। सुबोध दास ने ही फोन कर गांव के अपने रिश्तेदारों को मोना दास के सीनेटर चुने जाने की खबर दी। अमेरिका की राजनीति में गांव की बेटी मोना दास की एंट्री से दरियापुर गांव के उनके रिश्तेदार फूले नहीं समा रहे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी यहाँ की लड़की, यहाँ क्षेत्र की यहाँ की बेटी होके विदेश में जाके अपना नाम रोशन की, हमारे गांव दरियापुर का नाम रोशन की। मोना दास का जन्म 1971 में बिहार में ही हुआ था। मोना जब बहुत छोटी थी तभी उनके पिता सुबोध दास उन्हें और पूरे परिवार को लेकर अमेरिका में बस गए। मोना के भाई सोमदास का जन्म अमेरिका में ही हुआ। मोना ने अमेरिका के सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री हासिल की। धीरे धीरे उनका रुझान समाज सेवा की ओर बढ़ा। सोशल वर्क करते करते वो राजनीति की तरफ अग्रसर हुई और आज की तारीख में अमेरिका में सीनेटर बनकर उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है। घर की बेटी अमेरिका में जाकर नाम रोशन की है और राजनीतिक क्षेत्र में इतने बड़ा पद हासिल की है, इससे यहाँ का सारा परिवार को बहुत खुशी है। मोना के दादा और पिता ने दरियापुर गांव के लिए बहुत कुछ किया है। गांव में स्कूल खोला है जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। पूरा गांव इस परिवार का शुक्रगुजार है और अब मोना दास के अमेरिका में सीनेटर चुने जाने से गांव का जो मान बढ़ा है उससे यहाँ के लोग गदगद हैं। गांव के लोग और रिश्तेदार अब 14 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब मोना दास सीनेटर के तौर पर अमेरिका में शपथ लेंगे। प्रशांत कुमार, जी मीडिया, मुंगेर, बिहार।